राम राम सब। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु हेम गुजर। हेलो। काफ़ी दिनों बाद में आपके सामने आए हैं, क्योंकि है ना ये पार्टनर गोप सिंह ये गांव चला गया था। आप यहीं थे क्या? मैं यहीं था। और हम दोनों के बीच कुछ विवाद भी हो गया था अभी। कल शाम को समझौता हुआ है। समझौता क्या अपना क्या विवाद हो रहा? जहाँ प्यार अधिक होता है वहाँ होती रहती है ऐसी बात है। क्या बात है? तो मतलब जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ बचते भी हैं? दो बर्तन जहाँ होते हैं तो बचते हैं। अच्छा जी, ये तो सही बात कही आपने। हाँ तो बताइए, जो पाकिस्तान आज फाइनल पहुँचा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? पाकिस्तान फाइनल पहुँचेगा तो क्या है, दो दिन बाद बादशाह आ जाएगा। क्या वर्ल्ड कप अपने नाम कर जाएगा? और क्या अपने नाम और भारत के नाम कर जाएगा 100%। तो कल इंग्लैंड से मैच है अपना। हाँ। अंग्रेजों से तो कल तो भगवान से यही मांगता हूँ कल अच्छे से भारत जीत जाए। और पाकिस्तान नॉर्मल टीम है, पाकिस्तान को हराना तो बड़ी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान को हरा देंगे, वो तो अपना दबाव नहीं झेल पाएगा। हाँ, लेकिन इंग्लैंड से मुझे काफ़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। नहीं नहीं नहीं, भारत इस टाइम अपने सूर्य कुमार इस टाइम नहीं इस टाइम इस टाइम सूर्य कुमार यादव जी अच्छी फॉर्म में है, विराट कोहली अच्छी फॉर्म में है, लेकिन रोहित थोड़ा सा, रोहित शर्मा वो अगर चोटिल कर दिया जाए या बाहर बिठा दिया जाए तो कैसा रहेगा? उसकी जगह बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा ठीक रहेगा, उस वो तो बेस्ट रहेगा। मेरे को भी ऐसा ही लगता है। हाँ, अगर रोहित शर्मा किसी कारणवश कल का मैच नहीं खेलेंगे तो इंडिया जरूर फाइनल में पहुंच जाएगी। कल का ही नहीं, परसों का भी, वो सॉरी संडे वाला भी नहीं खेलेगा ना वो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के खिलाफ तो खेल ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल का मैच अगर नहीं खेले तो इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा। बाकी अच्छा सत्य हमेशा कड़वा होता है। मेरे को लग नहीं रहा है कि भारत कल फाइनल में पहुंचेगी। देखना कल आपकी ये विश्वास टूटने वाला है और भारत कल 100% फाइनल पहुंचेगा। फाइनल में मैं भी दुआ करूंगा कि भारत फाइनल पहुंचे और पाकिस्तान को रहे। भारत 2022 वर्ल्ड कप जीतने वाला है, अगले संडे को देख लेना। हाँ, वैसे एक शख्स को दिखाता हूँ आपको मैं, जो काफ़ी काफ़ी कुछ किया है उसने अपनी लाइफ में। कौन है? कैप्टन कोल। इस जैसी किस्मत ना कोई लाया है। कौन है? माही। माही ओनली MS, ऐसा कप्तान जिसने तीनों ICC ट्रॉफी जीती है। अब देखो रोहित शर्मा के हाथ लगेगी ये वर्ल्ड कप 2022। देखते हैं क्या होता है। अपने ऊपर आशीर्वाद है भगवान श्री राम का, 100% जीतेंगे हम लोग। उनके भी अल्लाह है। अरे वो तो अपना ही अवतार है, अपनी से निकले सब टूट के क्या है। हाँ तो हम लाइब्रेरी में भैया अभी। हाँ, पढ़ाई कर नहीं रहे हम। पढ़ाई भी होती रहती टाइम टाइम पर, आज तो मैच में लग रहे 2 घंटे से तो कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई जिंदगी है, पढ़ाई ना तो सब कुछ है। रोहित शर्मा खाने को देगा ना बाबर आजम खाने को देगा। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। हाँ, भारत वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा ना तब भी अपने कोई नहीं आएगा खाने को। हाँ, स्वागत उनका ही होगा। बिल्कुल, नींद अपनी खराब हो रही। नींद तो क्या दिन के अंदर मैच रखेंगे। वो अपने लोमोर साहब है, पढ़ाई कर रहे हैं एक नंबर। अंदर है वो? अंदर है वो, अटल जी लोमोर जी। इंदिरा जी के बारे में तो बात बताओ, कल बोल रहे थे यार इंदिरा जी और खाना वाना नहीं बढ़ाऊंगा आपका। इंदिरा जी? हाँ, मैं आपको खाना नहीं बढ़ाऊंगा, जिस पिछले वीडियो में उसकी थोड़ी सी कह दिए थे ना। अच्छा, इंदिरा जी तो यार मस्त आदमी है। इंदिरा जी जैसा आदमी आपको मिल ही नहीं पाएगा। खाना वाला, खाना बनाने वाला? हाँ हाँ, वो प्रदीप आ गया है। प्रदीप गुजर चप्पल खोने की वजह से काफ़ी परेशान है। अंदर खोल दिया करे, बोल दे भाई प्रदीप। यहाँ एक मिनट।
ये है प्रदीप, सब में एक में कोचिंग कर रहा है। अरे इसकी